पुलिस ने जामिया के स्टाफ को मारा है, पुलिस ने जामिया के गार्ड्स को मारा है जो कि फौजी हैं। आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। एक हमारे गार्ड है जो कि कह रहे थे कि आप बच्चों को ना मारे, आप वो वीडियो देख सकते हैं। वो इस देश के फौजी हैं, वो हमारे देश की आर्मी में सर्व कर चुके हैं और उनको पुलिस ने मारा है, पुलिस ने उनको गाली दी है। इससे ज़्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती है। मैं जामिया से हूँ, वहाँ से PhD कर रहा हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, 3 दिन से प्रोटेस्ट का हिस्सा भी था जामिया में। लेकिन जिस तरीके से कल पुलिस ने जामिया में घुसकर बच्चों को मारा है, उनके हाथ पैर तोड़ दिए, कितने ही बच्चे हैं जो कि अभी गायब है जिनकी हम जानकारी नहीं ले पा रहे, पुलिस ने घुसकर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी तोड़ी है, पुलिस ने वॉशरूम्स में बच्चों को मारा है, यही नहीं पुलिस ने पूरी हॉस्टलों में घुस के बच्चों को निकाला है, बच्चों को लाइट बंद करके कमरों में छुपना पड़ा। ये पूरी तरीके से बच्चों का ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन है, मानव अधिकार का हनन है। और यही नहीं, अगर आपको लगता है कि पुलिस ने सिर्फ जामिया के बच्चों को मारा है, छात्रों को मारा है, तो ये गलत है। पुलिस ने जामिया के स्टाफ को मारा है, पुलिस ने जामिया के गार्ड्स को मारा है जो कि फौजी हैं। आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। एक हमारे गार्ड है जो कि कह रहे थे कि आप बच्चों को ना मारे, आप वो वीडियो देख सकते हैं। वो इस देश के फौजी हैं, वो हमारे देश की आर्मी में सर्व कर चुके हैं और उनको पुलिस ने मारा है, पुलिस ने उनको गाली दी है। इससे ज़्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती है। और मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सारे जामिया के छात्र अपील कर रहे हैं कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जो पुलिस की एक्शन है, जो पुलिस की बर्बरता है, उस पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुओ मूटो कॉग्निजेंस ले। बच्चे अब पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, आप उन्हें ऐसे मार रहे हैं जैसे कि वो बच्चे ना हो। आरोप है कि पहले छात्र उग्र हुए, उन्होंने बसों में आग लगाई, पत्थरबाजी पर सभी हम लोगों ने फायरिंग जी। बहुत अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि सोशल मीडिया पे अभी तक आप एक वीडियो तो देख ही चुके होंगे जो वायरल हो रही है, जिसमें किस तरीके से दिखा रहे हैं कि पुलिस जो है उसको बस में तेल डाल रही है। तो अगर वो बस में तेल डाल रही है, बच्चे तो डालते हुए दिख नहीं रहे, तो जो बस में तेल डालते हुए दिख रहा है, आग भी उसी ने लगाई होगी। आप बच्चों की वीडियो लाइए, पुलिस की तो वीडियो है सामने। दूसरी सबसे बड़ी बात, पुलिस कह रही है हम बुझा रहे हैं, उसमें पानी डाल लेते हैं। चलिए ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात मैं ये कहता हूँ कि जब वॉयलेंस हुई सड़कों पे, क्योंकि जब जामिया के बच्चे रोड पे आए तो बहुत सारे लोग उनके साथ मिल जाते हैं बाहर के भी। जब तक यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोटेस्ट रहती है तब तक वो प्रोटेस्ट यूनिवर्सिटी की रहती है, बाहर में उसमें कोई भी जुड़ जाता है। जब वॉयलेंस हुई, जैसे ही बच्चों को पता चला कि सड़कों पे आप देखिए कि बस से टूटी है या बसों में आग लगी है, जामिया की पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी ने एक स्टेटमेंट इशू करा जो उन्होंने दिन में ही कर दिया था कि हमने कोई भी तरीके की वॉयलेंट प्रोटेस्ट नहीं करी है, हम बिल्कुल क्लियर हैं अपनी अप्रोच में कि हम नॉन वॉयलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम अपने आप को उन सभी लोगों से अलग करते हैं, बाहर के असामाजिक तत्व जिन्होंने वॉयलेंट प्रोटेस्ट करी। उसके बाद भी पुलिस ने जान पूछ के जहां पर वॉयलेंस हुई थी, वॉयलेंस को और भड़काया होगा। जिस तरीके से अब पुलिस भले कह दे कि वो पानी है, लेकिन देखने में तो तेल ही लग रहा है, क्योंकि जो पानी होता है वो टीनों में तो होता नहीं है। ये भी आरोप लगा रहे हैं छात्र की BC की बिना परमिशन के कैंपस के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सच आरोप है, क्योंकि हमारे प्रॉक्टर जो है और जो हमारी वाइस चांसलर है प्रोफेसर नजमा अख्तर, वो सुबह ही एक वीडियो निकाल के कंफर्म कर चुकी हैं कि उन्होंने कोई परमिशन नहीं दी पुलिस को घुसने की। तो जब जामिया एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है तो कैसे पुलिस घुस सकती है? कहीं ना कहीं तो ये एक प्लान बनाया हुआ था। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ प्लान बनाया हुआ था, क्योंकि ये जामिया का अकेले का हाल नहीं है। कल रात में यही सेम चीज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई है और आज सुबह यही चीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई है। बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ है, उन्हें मारा गया है, तभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ तक आ नहीं पाए। JNU में आज एक अलग लॉकडाउन चल रहा है, कोशिश कर जा रही है कि जितनी भी शिक्षा व्यवस्था है, जितनी भी हायर हमारी एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको किसी ना किसी तरीके बच्चों को आवाज़ ना उठाने दी जाए, हक की बात ना करने दी जाए। कुछ वीडियो ऐसी वायरल हो रही है कि जो वहाँ की लड़कियाँ थी, जो गर्ल्स थी, उनको जो मेल पुलिस वाले हैं वो बुरी तरीके से मार रहे हैं। जी तो यही तो सरकार का असली चेहरा दिखाता और दिल्ली पुलिस का असली चेहरा भी दिखाता। और मैं आपके माध्यम से दिल्ली पुलिस को एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप सत्ता के सामने इतना भी मत झुकिए कि जब आप अपने घरों में जाएं तो आपके खुद के बेटे और बेटी आपको इज्जत की नज़रों से ना देख पाए। आप इतना भी मत झुकिए। आपने कैसे उन बच्चों को मारा है, आपने कैसे उन छात्राओं को मारा है, आपकी खुद की बेटियां उस उम्र की हैं, आखिर वो ऐसी कौन सी क्रिमिनल थी जो आपको इस तरीके से उन पर लाठियां बरसानी पड़ी है? अभी कितनी
इतनी अनवेरीफाइड रिपोर्ट्स आ रही है जिनको मैं ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता कि कितने बच्चे मिसिंग है और कितने बच्चों की डेथ भी हो गई है, लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है हम नहीं बोलेंगे। लेकिन हॉस्पिटल में तो जाके खुद से देखा है बच्चों को, उनका खून निकलते हुए देखा है, एक बच्चे को गोली लगी है वो सब देखा है, वो सारी वीडियो वायरल है, हर कोई देख सकता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई चीज़ हम हवा में क्रिएट कर रहे हैं। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।